सबसे पहले मैं आपके पास रीना जी आना चाहती हूं, क्या परिस्थितियां, आप तेलवीव से हमारे साथ जुड़ रही हैं, क्या परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं, कैसी मुश्किलें आ रही हैं, और जिस तरह से ये जंग है, अभी एक प्रोपोगंडा वॉर, मतलब इसे जंग के इर्द गिर्द कई लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, इसराइल अपने तरीके से अपनी बातों को कह रहा है, जो फिलिस्तीनी है और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अरब देश हैं वो इसराइल पर उंगली उठा रहे हैं। आपने जो सच अपनी आंखों से देखा है क्या बताएंगे हमारे दर्शकों? पहले तो आप सही कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा वॉर है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वॉर है, क्योंकि रॉकेट्स कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये सिर्फ फेंकने वाले को पता है और टेक्नोलॉजी उनको डिटेक्ट करती है किधर जा रहे हैं। तो हमको पता चलता है किधर जा, हमारे टेलीफोन पे के बॉम्ब शेल्टर में जाओ और हम बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। आज सुबह काफी डायरेक्ट हिट्स हुए अश्केलोन, उतेफ आजा और श्देरोत में, जहां पे आपको आपको पता है कि पहले तो आपके सब हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो हैं वो सब बॉर्डर पे हैं और वो दिखा रहे हैं आप लोग को सबको क्या हो रहा है। जो जो जैसे कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के गले नहीं काटे, ये इजरायली गवर्नमेंट ने पूरे दुनिया के बिल्कुल मीडिया को वहां पे लेके जाके दिखाया कैसे उनके गले काटे गए और कैसे उनको जिंदा जलाया गया। बच्चे बोल नहीं पाए, तो जिसने किया उसने बाद में जाके टेलीग्राम पे डाला, तो पूरी दुनिया को पहले पता चला कि उन्होंने क्या किया है, और उसके बाद में उनके सामने वो बच्चे आए मरे मुर्दा, मगर सब असलियत आ गई, सामने आई। तो ये कोई झूठ नहीं है कि उन्होंने जो एट्रोसिटी उधर की है वो हुआ, जो मैसेकर उधर की है वो हुआ। ये बेचारे सिविलियन थे और ये सब मारे गए। टेलवीव में तो कोई सिवाय रॉकेट्स के आने के लिए सिवाय रॉकेट्स आने पर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है टेलवीव में। टेलवीव में ट्रांसपोर्टेशन खुली है। आज अब शबात होने के अलावा हम 2 और घंटे में फ्राइडे जाएंगे, पर गवर्नमेंट ने ऐलान की है कि पूरी ट्रांसपोर्टेशन जो 5 बजे या 6 बजे बंद होती है वो पूरी रात चलेगी। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इसराइल रेलवे बसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन विल वर्क। यस, बेचारे हमारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जो जो इसराइल में है वो डॉर्मेटरीज और प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहते थे, उनकी यहाँ पे घर नहीं है, तो काफी डरे हुए थे, एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर बैक होम विद देयर बिल्कुल फैमिलीज एंड देयर पेरेंट्स। हाँ, पर भारत हम ने जी जैसे बिल्कुल 100,000 फैमिली यहाँ पे रहते हैं जी और हमको पता है कि यहाँ का रहन सहन कैसा है। यहाँ से गाजा जो है, टेलवीव आप बात करते हैं, मैं कहती हूँ मैं टेलवीव में बैठी हूँ, पर टेलवीव गाजा से टेलवीव 1.5 घंटे का सफर है, इट्स नॉट वेरी फार अवे। कल जो वॉर उधर चल रहा है वो इधर आ सकता है, बिल्कुल और कल जो हिजबुल्ला बोल रहा है ऑन द साइड, ऑन द नॉर्दर्न साइड, वो उस तरफ इधर आ सकता है। तो इट्स तो हम जैसे लोग सिर्फ बैठ के टीवी देख रहे हैं, टीवी से एंकर्स हमको कह रहे हैं आपके वर्ल्ड रिपोर्टर्स जो जो बॉर्डर्स पे हैं वो बोल रहे हैं क्या हो रहा है, इससे हमको पता चल रहा है। पर हम जो है ये कहना चाहेंगे कि दे शुड बी पीस, बट दे शुड नॉट बी फॉरगिवन फॉर व्हाट दे डिड। इनोसेंट चिल्ड्रेन, इनोसेंट मदर्स, इनोसेंट बुड्ढे लोग, दे वर नॉट सोल्जर्स, उनको वो मारे गए। सो द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर, टेक नोटिस एंड बी विद इजराइल। ठीक है रीना जी, आपने लगभग अंत में जो बात कही वही लबोलुआब है। आप कह रहे हैं कि किसी भी हाल में उन्हें माफ नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने मासूम बच्चों के साथ किया है, बुजुर्गों के साथ किया है, उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। शांति जरूरी है, लेकिन आपका यह मानना है कि उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। रीना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सोनी, आपके पास मैं आना चाहती हूं, आपके लिए अच्छी घड़ी होगी, आप सुरक्षित देश लौट गई हैं, लेकिन वो डर कितना रियल था, कितना करीब था?
मुझे जब पहली बार एक्चुअली मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने कभी सारे उनका आवाज भी नहीं सुना था। तो मैंने जब पहली बार सुना तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे बताया कि वी आर अंडर अटैक, एंड फिर हमें ये बताया गया कि प्रोटोकॉल्स क्या है यहाँ पे, एंड फिर हमें 90 सेकेंड्स के अंदर शेल्टर में जाना होता था। एंड आई थिंक आफ्टर गोइंग टू द शेल्टर आफ्टर 1 or 2 days आई स्टार्टेड फीलिंग सेफ। आई मीन देर वॉज ऑलवेज अ प्रेशर, हमेशा प्रेशर और स्ट्रेस रहता था। लेकिन एक बार हम शेल्टर में चले जाते थे जब मिसाइल का अटैक होता था तो थोड़ा सा राहत मिलता था कि अभी सब सही रहेगा। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब ऑपरेशन अजय जो भारत सरकार ने चलाया, जिसकी वजह से आप लोग आए हैं, बहुत सारे बच्चे आज लौटे हैं, उनके घरों में थोड़ी खुशी और राहत की सांस होगी। अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ वारिस पठान साहब। आपने सुना रीना जी को, ये एक भारतीय है, वहां पर रहती है, लेकिन इनके दिल में भी बहुत दर्द है इस बात को लेकर, जिस तरह से वहां पर बच्चों का नरसंहार किया गया है, जिस तरह से बुजुर्गों को मारा गया है, 901,000 लोगों को आकर रातों रात इस तरह से एक दिन के अंदर, दिन में ही बल्कि शाम से ही उन्होंने वॉर शुरू कर दिया था एक तरह से हमास ने, इस तरह से मारना, उसको उसको कैसे नजरअंदाज कर देना चाहते हैं आप? अंजना जी, यहां पर दो चीज समझनी होगी। एक तो आपको यह समझना होगा टेररिस्ट कौन है, दूसरा टेररिज्म किसको बोलते हैं, और तीसरा एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या है। अब आप देखिए, गाजा में पिछले दिनों जब से इसराइल ने अटैक किया है, 1,600 सिविलियनों की डेथ हो चुकी है, जिसमें 500 बच्चे थे, मर गए, उनको मार डाला है। अभी भी जो बच्चे हॉस्पिटल के अंदर हैं उनको इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी उनकी कट कर दी है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमने 4 दिन पहले ही गाजा में इलेक्ट्रिसिटी काट दी, खान पीने की पूरी प्रोविजन बंद कर दिया हमने, फ्यूल बंद कर दिया, इंटरनेट सब कुछ वहां पर ठप सा हो गया है। तो अभी आप बताइए, इसमें आप ऑपरेसर किसको कहेंगे? ऑपरेसर उसको बोलते हैं जो जालिम है, ऑप्रेस्ड उसको बोलते हैं जिस पर जुल्म हो रहा है, वो इस वक्त गाजा के ऊपर हो रहा है। तो हमेशा इंसानियत का तकाजा ये है कि हमको ऑप्रेस्ड जो है, जो मजलूम है, उसके साथ खड़े रहना चाहिए। हमारा देश भी फलिस्तीन के साथ खड़ा है। कल ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के सपोर्ट के अंदर खड़े हुए हैं। वायलेंस का हम कंडेमनेशन करते हैं, टेररिस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी का कंडेमनेशन करते हैं, मगर जब इस तरह भाई की साहब, घटना गाजा रशिया में और यूक्रेन उनको के बीच में वापस हुई थी, तो दिया इस गया था। यूरोपियन कंट्री के जो चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने ठीक है, खड़े वारिस होकर वारिस जी कहा एक बार था कि ये सुनिए, रीना जी कुछ कह आतंकवादी रही हैं। एक्ट ऑफ ठीक है टेररिज्म है। रीना जी, रीना जी आप क्या कह रही थी उनको? प्राइम मिनिस्टर शरोन ने गाजा उनको वापस दिया, सब लोगों को वहां से निकाला, गाजा के पूरे एक जैसे पूरी सेटलमेंट थी उनको वापस दिया। वहां 2005 उन्होंने में 15 साल में गाजा के साथ में क्या किया? आतंकवाद। और तो अब और इसराइल ने कहा है 1 मिलियन सुनिए, गाजेंस को टू गो ऑन द साउथ, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कुछ ना हो। हमास उनको क्या कह रही है? रहो, क्योंकि वहां से ही रॉकेट मार रहे हैं। सो हु इज ट्राइंग टू बी द सेवियर एंड हु इज ट्राइंग मैडम टू अटैक? वी आर ऑल इंडियन सर, वी मैडम ग्रू अप सुनिए, इन इंडिया। इसराइल ने आर हमास बेस्ट को फ्रेंड्स क्रिएट किया आर है। बेस्ट फ्रेंड्स आर मुस्लिम्स, आर इसराइल बेस्ट फ्रेंड्स, दे हैव बीन हियर टू विजिट अस, दे हैव सीन एवरीथिंग विद देयर ओन आईज। माय फ्रेंड्स केम हियर एंड टोल्ड मी, रीना वी डिडंट नो वी वर एनिमीज, वी आर नॉट एनिमीज, वी विल नेवर बी एनिमीज। इंडियंस हिंदी में रिस्पेक्ट ऑल बोलिएगा, हिंदी में, रिलीजन हिंदी एंड में, वी आर फ्री स्पिरिट पीपल, बट टुडे व्हाट इज हैपनिंग हिंदी इज में। बैड ऑन बोथ मैडम साइड, अलाउ बोथ अलाउ साइड। मी, रीना जी कोशिश कीजिए कि आप हिंदी में बोलिए, हमारे अच्छा दर्शक अलाउ मी बेहतर मैडम, समझ पाएंगे। सॉरी नहीं, सॉरी हाँ वारिस सॉरी साहब, वारिस साहब, नहीं, एक सेकेंड वारिस प्लीज। साहब, आपने बहुत आसानी से बातों को मोड़ने की कोशिश की। हमास को आप एक आतंकी संगठन मानते हैं या नहीं, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक अपने ट्वीट में, स्टेटमेंट में हमास का नाम लिया क्या? क्या हिंदुस्तान ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है क्या? कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो प्रेस वार्ता की, प्रेस स्टेटमेंट की, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम हमास के खिलाफ है, उन्होंने ये कहा कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े। मैं भी यही बोल रहा हूँ, फलस्तीनियों के साथ खड़े भी। मैडम जी ने कहा कि उसको वापिस दे दिया था, मैडम ओस्लो
अकॉर्ड साइन हुआ था 1993 13 सितंबर के टाइम, उसमें कहा था 5 साल में हम फिलिस्तीनियों को उनका स्टेट दे देंगे, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन कंट्री बना के दे देंगे। आज 30 बरस हो गए नहीं दिए। 2008 से लेके अब तक मैडम जी वहां पर 1.5 लाख पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मार दिया है, जिसमें 33,000 बच्चे थे। तो क्या ये बच्चे भी इसराइल के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर रहे थे? क्या ये बच्चे जो मासूम, जिनका कोई लेना देना नहीं था, अभी आतंकवादी थे क्या आपकी नजर में? अभी आपने कहा कि 40 बच्चों का इसराइलियों ने नरसंहार कर दिया। सुनिए सुनिए, आप ये आपका बोलना है, सुनिए ना, मेरे को बोलने ही नहीं दे रही है मैडम जी। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? क्योंकि आप भी वही एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं जिससे बचना है वॉर के समय में, इसीलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ। 7 अक्टूबर को क्या हुआ आप बताइए हमारे दर्शकों को। अगले 3 लाइन में वारिस पठान बताएंगे कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। देखिए 7 अक्टूबर को जो हुआ है वो 90 साल से जो सहन शक्ति करी जा रही है ना, जो सहन रहे क्या उसका हुआ था सर? किया और जो भी कुछ किया वायलेंस तो कंडेम कर रहा हूं मैं। 8 अक्टूबर का क्यों नहीं बोलते जब खाना पीना पानी सब बंद कर दिया और ये 500 बच्चों को मार दिया? 1600 लोगों को मार दिया, उसका आप क्यों नहीं बोलते? 7 अक्टूबर को क्या हुआ? 7 अक्टूबर को एक वीडियो भी रिलीज हुआ था कि एक महिला को नग्न अवस्था में काट दिया, मार दिया, रेप करके उसका कत्ल कर दिया। 7 अक्टूबर को तो ये भी वीडियो आया था। 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को उसकी मां ने कहा कि बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। और 8 अक्टूबर को एक वीडियो निकाला मीडिया ने कि 40 बच्चों का फिलिस्तीन में कत्ल कर दिया। अरे छोड़िए कत्ल, मगर बाद में तो पता चला। आप सुनिए अंदर जी, ये जो 40 बच्चों की जो बात कर रहे हैं, इसमें क्लेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आपकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है, बोलिए। उस पट्टी की वजह से आप देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं।